एक महत्वपूर्ण फैसले में आईपीएस अधिकारी एके जैन को भ्रष्टाचार से जुड़े एक केस में 5 साल की सजा सुनाई गई। सेशन कोर्ट ने बुधवार को जैन के साथ उनके पीए प्रसन्न लोढ़ा को भी इतनी सजा दी है। दोनों पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। गौरतलब है कि जैन और लोढ़ा की गिरफ्तारी पूर्व सीनियर पीआई संजीव कोकिल की शिकायत पर हुई थी। खास बात यह है कि खुद कोकिल को पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोप में पुलिस की नौकरी से रिमूव कर दिया गया था। यह पूरा मामला 21 मई 2000 का है। कोकिला उन दिन भाईगला पुलिस स्टेशन में नाइट ड्यूटी पर थे। उसी दौरान वकोला जोन के तब के डीसीपी अब जॉइंट सीपी सदानंद दाते ने एक बियर बार में रेड डाली। यह बार निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुला हुआ था। हालांकि भाईगला तब दाते के जोन में नहीं था, लेकिन रात में किसी भी जोन का डीसीपी किसी दूसरे जोन में भी पेट्रोलिंग पर जा सकता है। अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि उसके अपने इलाके के बियर और डांस बार सही समय पर बंद हो, इसलिए सदानंद ताते ने कोकिल को लापरवाही का दोषी माना और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तब साउथ रीजन के एडिशनल सीपी एके जैन को एक लेटर लिखा। बाद एके जैन ने अपने पीए प्रसन्न लोढ़ा के जरिए कोकिल से संपर्क किया और कार्रवाई से बचने के 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। कोकिल ने फौरन तब के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चीफ रॉनी मेडोसा को सूचित कर दिया। उसके बाद ट्रैप लगाया गया। पहले लोढ़ा को गिरफ्तार किया गया था, बाद में एके जैन की गिरफ्तारी हुई। रिश्वत कांड में किसी आईपीएस अधिकारी का उस वक्त यह सबसे बड़ा केस था। 13 to 120B, conviction under fine 50,000 rupees and in default RI for 5 years, 4 months. मैम केस क्या थी, किस तरह से पकड़े गए थे, वो थोड़ा ब्रीच में जाना था। केस ऐसी थी कि साईराज बार पे, भाईकला साईराज बार पे रेड हुई थी कि वो बार वो जो बार है वो 12 बजे के पहले जो टाइम तय किया उसके बावजूद ही चालू आ था, उस पर रेड हुई थी। डीसीपी दाते साहब ने रेड की थी उस पर। कोकिल साहब, कोकिल जो है वो तब नाइट पे आए थे ग्राउंड पे, और सीनियर पे आए और गिरी जो थे वो पीएसआई थे, और वो पकड़ने के बाद सीपी ने उनकी बहुत स्ट्रांग ऑप्शन लेने के लिए एक था, उसमें से उसको पनिशमेंट होने वाली थी, वो पनिशमेंट ना होने के लिए उन्होंने ये ब्राइब मांगी थी 5 लाख की, और वो ब्राइब मांगी थी एक्ट नंबर 2 जो है प्रसन्न लोढ़ा, वो जो उनके सीए है और नज़दीकी आदमी हैं, उनके थ्रू से उन्हें ब्राइब मांगी थी। वो 5 लाख की ब्राइब बाद में नेगोशिएट के बाद 3 लाख हो गई और 10,000 मेहनताना, और 26 तारीख को वो 2 लाख रुपये ब्राइब और 10 लाख मेहनताना लेने के लेते हुए पकड़े गए थे। मैम इस मामले में और कोई भी कन्विक्ट हुआ है? हाँ, लोढ़ा कन्विक्ट हुए हैं, जो जिन्होंने वो ब्राइब ली थी, जिनके थ्रू से ब्राइब ली गई थी, वो ऑन रेड हैंड पकड़े गए वहाँ पे, और उनके पास पैसे मिले जो मार्क नोट थे, और उनको भी 5 साल की सज़ा मिली है 13(1)(d) के नीचे, और 75,000 रुपीज़ फाइन हो गया, और 5 साल 120B में हुई है और 50 रुपीज़ फाइन हुई। विटनेसेस कितने थे मैम, और क्या ऑल टुगेदर आई एग्जामिन 20 विटनेसेस। और क्या सबूत लाए गए थे जो गुप्ता सबूत, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट थी? फॉरेंसिक लेबोरेटरी नहीं, वो केमिकल टेस्ट जो होता है, वो केमिकल टेस्ट जो होती है कि वो जो एंथ्रेसिन पाउडर जो यूवी लैम्प के नीचे देखा जाता है, वो लैम्प ब्लूइश ग्लो देता है, वो लोढ़ा साहब के चेहरे पे, उनके दोनों हाथ पे, उन्होंने जो नोट रखी थी इसके उनके पैंट पे वो दिखाई दे, और नोट भी जो मार्क नोट थे वो भी उनसे बरामद हुए थे, और हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की उन्होंने जो चीट दी थी वो हैंडराइटिंग, उसमें CDR का भी इस्तेमाल हुआ था कि दोनों ने कोकिल साहब के घर में फ़ोन किए थे लोढ़ा ने, उनके CDR बरामद हुए, और जैन और लोढ़ा के बीच में जो बातचीत हुई फ़ोन कॉल हुए उनके भी CDR बरामद हुए थे। आखिरी सवाल है, टैम्परिंग ऑफ एविडेंस में उन्होंने करने की कोशिश क्या किया था उन्होंने, और उसकी टैम्परिंग ऑफ एविडेंस बोले तो 26 तारीख को जब कोकिल गए थे तो कोकिल ने जो प्रैक्टिस होती है वो अपनी विजिटिंग स्लिप दी थी, वो विजिटिंग स्लिप उन्होंने जब उनको 26 तारीख को मालूम पड़ा 27 तारीख को सुबह आके
जो नॉन वर्किंग सैटरडे वो आके उन्होंने वो नोट शीट वो जो बास्केट थी वो उनके ऑर्डरली को डिस्ट्रॉय करने जला के डिस्ट्रॉय करने के बोला था। वो जो उनके मुताबिक कभी कैसे पहले हुआ नहीं था। और दूसरी बात जो है वो नोट शीट जो थी जो एडिशनल सीपी साहब ने जो पेज अटैच करके लगाई थी वो नोट शीट भी उन्होंने 29 तारीख को निकाल के दूसरी नोट शीट लगाई उसकी जगह पे और पुरानी नोट शीट जी वो अपने एंटी चैम्बर में लेके उनको डिस्ट्रॉय।